दोस्तों बहुत सारे ऐसे एनजीओ वाले हैं जो कांटेक्ट करते हैं हमसे या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, बड़ी एनजीओ से, और डिमांड करते हैं बिना लीगल प्रोसेस के कि सर हमको डोनेशन दे दीजिए, हमको कुछ हेल्प कीजिए, कुछ फंड दिला दीजिए। क्या उनको एनजीओ या हम उनको सपोर्ट देते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों उनको कैसी तरह का फंड मिलता है या नहीं मिलता है, इस वीडियो में आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एनजीओ बना तो लेते हैं परंतु फंड के लिए इधर उधर तड़पते हैं। वो फंड के लिए किसी न किसी से कॉन्टेक्ट करते हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशन से, बड़े एनजीओ से, और डिमांड करते हैं कि सर हमको डोनेशन दे दीजिए, हमको फंड का कुछ व्यवस्था करा दीजिए। दोस्तों क्या उनको मिल पाता है, यही सब आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। दोस्तों एनजीओ बनाने को तो बना लेते हो आप, जिसको जानकारी नहीं है जो इस तरह के कांटेक्ट करते हो, अच्छा है आप एनजीओ बना लिए, आप अच्छा सोचते हो तभी तो आप बनाए हो। परंतु दोस्तों अगर डिमांड करते हो इस तरह का कि हमको सपोर्ट दीजिए, डिमांड करते हो कि आप फंड दीजिए, कोई सहयोग दीजिए, तो दोस्तों ठीक है आप डिमांड करते हो, आपकी नीड है, परंतु बिना सपोर्ट के, बिना फायदा का, बिना सिस्टम का कोई एनजीओ आपको डोनेशन क्यों देगा, फंड क्यों देगा, ये क्वेश्चन बनता है। आप खुद समझो ना, बिना फायदे का क्यों देगा, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन भी हो बिना फायदा का क्यों देगा, नहीं देगा ना। जो आपको फंड वो देगा वो खुद से क्यों नहीं काम करेगा, उसके पास भी तो एनजीओ है, उसके पास भी तो काम है, उसके पास भी तो बहुत सारा बड़ा एरिया है, वो भी चाहता है कि अपने एनजीओ का डेवलपमेंट करें, तो क्यों दे, क्यों सपोर्ट करे, ठीक है ना। आप खुद सोचो, हमसे कोई कॉन्टेक्ट करता है तो हम लीगल प्रोसेस से उनका डिमांड करते हैं कि जुड़िए, मतलब कि कोलैबोरेशन कीजिए, सर्टिफिकेशन कराइए और सिस्टम से आइए, वहाँ पे कुछ आप सपोर्ट कीजिए, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। परंतु दोस्तों कहते हैं कि नहीं, उनको केवल सपोर्ट चाहिए, मतलब उनको फंड ला कर दे दो। मतलब आप एनजीओ बना लिए हो, शर्म आनी चाहिए। अगर आप एनजीओ बनाए हो, किस मतलब बनाए हो, जो आप एनजीओ बना लेते हो जिसको जानकारी नहीं इस तरह का, ठीक है ना, आप डिमांड कर देते हो फंड का और बिना फायदे का, बिना डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस का, ठीक है ना, ये गलत है। बिना फायदे का कोई एनजीओ आपको डोनेशन नहीं देगा, फंड नहीं देगा, कोई इंडिविजुअल पर्सन भी नहीं देगा। जब तक उसका फायदा ना हो तब तक नहीं देगा। आप बोलते हो कि मेरे एरिया में कुछ सपोर्ट दीजिए, मैं यहाँ पर इस तरह का काम कर रहा हूँ, ठीक है करो ना यार, मना कौन कर रहा है। कोई कोई अपशब्द बोलता है, जब वो लोग डिमांड करते हैं, जब इधर से रिप्लाई किया जाता है कि इस तरह का प्रोसेस है, तो बुरा बोलते हैं, गलत बोलते हैं और इग्नोर करते हैं, फिर वापस कॉन्टेक्ट नहीं करते हैं। आपके पास कुछ समझ नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, आप एनजीओ खोल लिए हो और आपके पास टीम भी है, गलत काम भी करते हो और आप गलत ठहराते हो, अगले को डिमांड करते हो फंड का, नहीं देने पर आप गलत ठहरा देते हो कि गलत ऑर्गेनाइजेशन है। दोस्तों ऐसा नहीं है, हम चाहते हैं कि हर किसी का सपोर्ट करें, परंतु कोऑर्डिनेशन मतलब सपोर्ट एक दूसरे से बनता है, एक दूसरे को मतलब आप थोड़ा सपोर्ट करो, थोड़ा हम करें, तब जाकर बड़ा होता है, बड़ा कुछ बनता है, ठीक है ना। इस समाज कल्याण के लिए कुछ योगदान कर सकेंगे हम दोनों मिलकर। हमारी बातें कड़वी लग रही होगी परंतु बुरा मत मानिएगा, साथ में जुड़िए, हम काम करने के लिए तैयार हैं, आपको हर सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। अगर आप सपोर्ट लेना चाहते हैं तो लीजिए, ठीक है, परंतु दोस्तों सिस्टम से आना होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। बिना फायदे का, बिना सिस्टम से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको सपोर्ट नहीं करेगी। इसके साथ क्यों कोलैबोरेट करें, रीजन क्या है, जो आप डिमांड कर रहे हो ना उस डिमांड को हम भी पूरी कर सकते हैं आपके एरिया में भी, तो आपके माध्यम से क्यों करें, कुछ तो फायदा हमें भी होना चाहिए, कुछ आपको भी होना चाहिए। फायदा केवल फंड को लेकर ना देखो, जो समाज कल्याण के लिए वहाँ से काम कर रहे हो ना, आपकी जो पब्लिसिटी बन रही है ना, वो फायदा ही फायदा है, ठीक है ना। फंड से कोई फायदा नहीं होता है, फायदा हर तरह का होता है, तो फायदा हमें भी तो होना चाहिए। आपके साथ जॉइंट एडवेंचर में काम करें तो हमारा इन्वेस्टमेंट आएगा, ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट में टोटली हमारे तरफ से हो, आप कुछ ना करें तो आपके एनजीओ बनाने का क्या मतलब है, आपके साथ काम करने का क्यों मतलब है, टोटली अगर हम ही इन्वेस्ट करें तो आपका सहयोग होना चाहिए किसी न किसी माध्यम से। शरीर तो हर किसी के पास है, अगर शरीर से करना चाहते हो, सर्टिफिकेशन से करना चाहते हो, तो सर्टिफिकेशन हमारे पास भी है और शरीर हमारे पास भी है, हमारे पास बड़ा टीम है, तो हम क्यों नहीं वहां पर काम करेंगे, आपको क्यों देंगे। तो आप मिलकर काम करो, थोड़ा आप सपोर्ट करो, ज्यादा हम करेंगे। तो दोस्तों स्पेशली हम बात करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपको सपोर्ट करेगी किस माध्यम से, तो वो भी शेयर कर देता हूं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फंड, आपको टीम वर्क, ट्रेनिंग,
जितनी भी सारी चीज़ें चाहिए सारी चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कराएगी एडवर्टाइजमेंट के साथ। तो हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन से आप फायदा लेना चाहते हो, डिमांड करते हो, तो आप सिस्टम से आना सीखो। आप सिस्टम से आओगे तो हर ऑर्गेनाइजेशन आपका डिमांड पूरी करेगी, तो आप सिस्टम से आना सीखो। दोस्तों हमारी बातों से आपको आहत पहुँची होगी तो माफ़ी चाहता हूँ, परंतु दोस्तों सिस्टम से आने के लिए आपसे ये गुहार कर रहा हूँ, ठीक है। आप हमें ही गलत ठहरा देते हो, हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन को भी गलत ठहरा देते हो, मतलब फंड ना देने पर, सपोर्ट ना देने पर। क्यों दे भाई, रीजन क्या है, क्या फ़ायदा है? सारे खुद सोचो ना, हमसे क्यों डिमांड करते हो, हमसे क्यों पूछते हो, हमसे क्यों नाराज़गी? हमारी जैसे ऑर्गेनाइजेशन से नाराज़गी ना डालो। जितना मिलकर हम लोग अच्छे से काम करेंगे उतना ही ग्रोथ आपका भी होगा, हमारा भी होगा, सबका होगा, समाज के कल्याण के लिए होगा। तो दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है इसको प्रेस करके ऑन कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।